Good morning, students of class 11th. Today we will begin with a new lesson, Albert Einstein at School, from the book Snapshots. It is written by Patrick Pringle. Now let us start the lesson. Albert Einstein, 1879 to 1955. This is his period of birth and death. Is regarded as the greatest physicist since Newton. In the following extract from the young Einstein, the well-known biographer Patrick Pringle describes the circumstances which led to Albert Einstein's expulsion from a German school. तो जैसा कि आप जानते हैं जर्मन आइंस्टीन जो है एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे. ये इनकी बायोग्राफी है जो लिखी गई है पैट्रिक प्रिंगल द्वारा. इसमें उन्होंने ये बताया है कि उनको एक जर्मनी के स्कूल से कैसे बाहर निकाला गया था और क्यों निकाला गया था. अब हम आगे बढ़ते हैं. इन व्हाट ईयर आइंस्टीन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर डिड द प्रशियंस डिफीट द फ्रेंच इन वाटरलू. आई डोंट नो सर. तो हिस्ट्री टीचर थे, इनका नाम था मिस्टर ब्राउन. ये पूछते हैं किस साल जो है प्रशियंस ने फ्रांस को हराया था बैटल ऑफ वाटरलू में. तो बोलते हैं आई डोंट नो सर. व्हाई डोंट यू नो, यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन. आई मस्ट हैव फॉरगॉटन. तो कहते हैं मैं भूल गया हूँगा. डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, आस्क्ड मिस्टर ब्राउन. नो सर, अल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी. तो अल्बर्ट आइंस्टीन बोले कि हमने कभी इसको याद करने की कोशिश नहीं की. व्हाई नॉट, आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, वन कैन ऑलवेज लुक अप इन अ बुक. कह रहे हैं कि हम ये ज़रूरी नहीं समझते कि हम हिस्ट्री के डेट्स को याद रखें, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बुक में देख लेंगे. ये सब याद करने वाली चीज़ें नहीं हैं. इसमें हिस्ट्री में इनको इंटरेस्ट नहीं था. मिस्टर ब्राउन वाज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मिनट्स. स्पीचलेस मतलब वो बिल्कुल आगे कुछ बोल नहीं पाए. यू अमेज मी आइंस्टीन. अमेज मीन्स सरप्राइज. वो कहते हैं तुम हमें आश्चर्यचकित करते हो. ही सेड एट लास्ट, डोंट यू रियलाइज इट, वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन अ बुक. तो कहते हैं कि अगर ये बात है तो फिर आदमी कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है. किताब में तो कुछ भी चाहो तो तुम देख सकते हो, उसके बारे में ये समझ सकते हो. कोई याद करने की कोई चीज़ है ही नहीं फिर तो. That applies to all the facts you learn at school. Yes, sir. कहते हैं yes, sir. Then I suppose you don't see any point in learning facts. तो कहते हैं डॉक्टर जो उनके जो साइंस टीचर थे, वो हिस्ट्री टीचर थे, वो बोलते हैं कि तुम तो इसका मतलब ये है कि तुम ये कोई ज़रूरी नहीं समझते कि फैक्ट्स को हम याद करें. Frankly, sir, I don't, said Albert. Then you don't believe in education at all. तो कहते तुम्हें शिक्षा में कोई विश्वास नहीं है. ओ यस सर, आई डू. आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन. वो कहते हैं कि सिर्फ फैक्ट्स याद करना ही एजुकेशन नहीं है. इन दैट केस, सेड द हिस्ट्री टीचर विद हैवी सरकार. तो मजाक बनाते हुए कहते हैं परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन. तो तुम्हें आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन जो है, तुम एजुकेशन के बारे में क्या समझते हो उसको बताना चाहिए. आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज. तो आइंस्टीन बोलते हैं ये सिर्फ जो फैक्ट्स हैं वो मैटर नहीं करते, वो उनका महत्व नहीं है, बल्कि जो आइडियाज़ हैं, जो विचार आदमी के विचार होते हैं वो मैटर करता है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है. ही सेड आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स और इवन विच ऑफ द आर्मी स्किल्ड मोमेंट. वो कहते हैं हमें ये मतलब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम ये देखें कि कौन किस आर्मी ने किसको हराया और किस बैटल में कितने लोग मारे गए. ये पढ़ने में और याद करने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. आई हैड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग व्हाई दोज सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर. कहते हैं वो, उन्होंने कहा कि हमें आइडियाज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है. तो कहते हैं कि हमें ये जानना ज़रूरी है कि इस किसी लड़ाई में कि सोल्जर्स ने दूसरे सोल्जर्स को क्यों मारा, के पीछे क्या सोच थी. दैट्स इनफ, मिस्टर ब्राउन्स आईज वर कोल्ड एंड क्रूअल. अभी जो मिस्टर ब्राउन थे, काफ़ी इनको काफ़ी गुस्सा आया और बड़े ही कोल्ड, उनकी आँखों में काफ़ी क्रूअल मतलब गुस्सा था. वी डोंट वॉन्ट अ लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टीन, यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे. अब उनको सजा मिल गई कि तुम्हें एक एक्स्ट्रा पीरियड तक रुकना पड़ेगा. Although I don't imagine it will do you much good, it won't do the school any good either. तो कह रहा है कि हालांकि हम ये जानते हैं कि तुम्हें एक एक्स्ट्रा स्कूल एक्स्ट्रा पीरियड रोकने से ना तो तुम्हें कोई फ़ायदा होगा और ना ही कोई स्कूल को फ़ायदा होगा. यू आर अ डिस्ग्रेस. कह रहा है तुम स्कूल के लिए एक शर्मनाक चीज़ हो.
आई डोंट नो व्हाई यू कंटिन्यू टू कम. तो कहते हैं हमें पता नहीं तुम स्कूल आते ही क्यों हो, या तुम्हारे पढ़ाई के बारे में, एजुकेशन के बारे में इस तरह के विचार है तो आते ही क्यों हो. इट्स नॉट माई विश, सर एल्बर्ट पॉइंटेड आउट. कहते हैं हम आते स्कूल है क्योंकि हमें ये मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन हमें स्कूल भेजा जाता है. देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड नॉट टू बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ. कह रहा है तुम अनग्रेटफुल हो, जो तुम बिल्कुल एहसान फरामोश लड़के हो और तुम्हें इसके लिए शर्म आनी चाहिए. आई सजेस्ट यू आस्क फादर टू टेक यू अवे. तो कहते हैं हमें तुम्हें फादर को तुम्हें स्कूल से हटा देना चाहिए. एल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून. नॉट दैट इट हैड बीन अ बैड डे, मोस्ट डेज वर बैड नाउ एनीवे, बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग. तब क्या हुआ, एल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल. जब उन्होंने स्कूल को वहाँ उसने उस दिन स्कूल को छोड़ा तो उनको बहुत ही मिजरेबल, मतलब उनके लिए बहुत ही बुरा दिन था. ऐसा नहीं था कि और दिन भी बुरे नहीं होते थे, लेकिन उनको ये बुरा ये लग रहा था कि अगले दिन सवेरे इनको फिर इसी स्कूल में आना पड़ेगा. ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे, बट देयर वाज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग. वो चाहते थे कि इनके फादर जो है इनको स्कूल से निकाल लें, लेकिन ये बात वो अपने फादर से नहीं कह सकते थे. ही न्यू दैट द आंसर वुड बी ही वुड have to stay until he had taken his diploma. तो जानते थे कि उनके फादर उनको स्कूल छोड़ने नहीं देंगे जब तक वो अपना डिप्लोमा कोर्स जो कर रहे हैं वो पूरा ना कर लें. Going back to his lodgings did not cheer him up. अब वो घर जब गए उनको वहाँ पर कोई खुश नहीं थे. His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. अभी म्यूनिक जो जर्मनी में जगह है वहाँ पर ये पढ़ रहे हैं, तो इनके फादर जो के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, तो वो जो पोरेस्ट क्वार्टर मतलब जो शहर का जो सबसे गरीब लोगों का रहने का जगह था, वहाँ पे इनको एक कमरा दिला दिया गया था रहने के लिए. ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कम्फर्ट, इवन द डर्ट एंड स्क्वैलर, बट ही हेटेड द एटमॉस्फियर ऑफ स्लम वायलेंस. इनको वहाँ पे जो गंदी जगह में रहते थे, गंदा मोहल्ला था, वहाँ पे इनको ख़राब खाना मिलता था, आराम करने के लिए भी अच्छी सुविधाएँ नहीं थी और गंदगी थी, लेकिन वो वहाँ पे बट ही हेटेड द एटमोसफियर. ये सब भी उनको इतना बुरा नहीं लगता था. वो बुरा क्या लगता था, ही हेटेड द एटमोसफियर ऑफ द स्लम वायलेंस. क्योंकि जहाँ पे स्लम में रहते थे वहाँ का वहाँ पे लोग अक्सर काफ़ी बहुत ही लड़ाइयाँ आपस में काफ़ी लड़ते झगड़ते थे, ये देख के उनको काफ़ी बुरा लगता था. हिज लैंड लेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर. उसके जो लैंड लेडी थी, जो घर की जो मालकिन थी, वो अपने बच्चों को मारा पीटा करती थी और हर सैटरडे को उसका जो हस्बैंड आके शराब पी के उसको भी मारता था, उस औरत को भी. बट एट लीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन विच इज़ मोर देन आई कैन से, सेड यूरी व्हेन ही कॉल्ड अराउंड इन द इवनिंग. अब उसका एक दोस्त है यूरी आइंस्टीन का, वो उससे उसके बारे में वो जब बात करता है इसके इस कमरे के बारे में, जगह के बारे में, तो यूरी कहता है एटलीस्ट तुम्हारे पास कम से कम तुम्हारे पास एक कमरा तो है रहने के लिए. एटलीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स इवन इफ यू आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स एट एल्बर्ट. तो एल्बर्ट कहता है कि तुम कम से कम चलो तुम तो ऐसे एक सभ्य समाज के बीच में रहते हो, जब यदि तुम पुअर स्टूडेंट भी हो तो भी एक तुम्हें अच्छी जगह मिली हुई है रहने के लिए सभ्य समाज के बीच में. दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाई. यूरी कहता है ये लोग भी बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड या सभ्य नहीं है. डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वॉज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूल. तुमने सुना होगा कि एक आदमी यहाँ पे लड़ाई में मारा गया था. एंड वॉट हैपन्स टू द वन हु किल्ड हिम. तो पूछा कि जो जिस आदमी ने मारा था उसका क्या हुआ. नथिंग ऑफ कोर्स, ही इज़ इवन प्राउड ऑफ इट. तो कह रहा है जिसने मारा था वो तो बहुत ही गर्व करता है कि हमने इसको इस आदमी को मारा. ही इज़ ओनली वरी इज़ दैट अथॉरिटीज हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूल्स. और वो जो है आदमी जिसने मारा था जान से एक आदमी को, उसको सिर्फ बुरा इस बात का लग रहा है कि जो पुलिस या अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कहा कि आगे से तुम इस तरह की लड़ाइयाँ नहीं लड़ोगे. ही इज़ अपसेट अबाउट इट दिस बिकॉज ही हैजंट अ सिंगल स्कार ऑन हिज फेस टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ बैज ऑफ ऑनर. और उसको ये इस बात का बुरा लग रहा है कि उससे लड़ाई करके एक आदमी को मार तो डाला, लेकिन इस लड़ाई के दौरान उसके जो फेस पर एक भी दाग या कट नहीं हुआ, कहीं उसका फेस पर ऐसा कट का निशान नहीं पड़ा जिसके वो उसको बैज ऑफ ऑनर की तरह से दिखा पाए कि देखो हम इस लड़ाई में इस आदमी को मारे थे और मेरे फेस पर ये उस समय का ये निशान है. Ooh, exclaimed Albert, and these are the students. तो एल्बर्ट कहता है इस तरह के स्टूडेंट्स भी होते हैं. Well, you will be a student one day, said यूरी. तो कहता है यूरी कहता है
तुम भी एक दिन स्टूडेंट बनोगे। आई डाउट इट सर एल्बर्ट ग्लमली, ग्लमली मतलब दुख के साथ बोलता है कि आई डाउट इट, हमें डाउट है ऐसा नहीं होगा। आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्जाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा, कहता है कि हम डिप्लोमा जो पढ़ कर रहे हैं मैं नहीं लगता कि हम पास हो पाएंगे। ही टोल्ड हिज कज़न एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू म्यूनिक, उसकी एक कज़न है एल्सा नाम है, तो यही बात उसने उसको भी बताया जब वो अगले दिन म्यूनिक आई। नॉर्मली शी लिव्स इन बर्लिन वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस, वो अपने फादर के साथ बर्लिन में रहती है जहाँ पर उसके फादर बिजनेस करते हैं। आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जाम्स एल्बर्ट इफ़ यू ट्राई, तो कहती है जो एल्सा है कि तुम जो है तुम कम से कम इतना तो पढ़ लो कि तुम एग्ज़ाम को पास कर लो। ठीक है, आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर हु गेट थ्रू, कह रहा कि हम ऐसे लड़कों को जानते हैं जो तुमसे भी ज़्यादा मतलब मूर्ख हैं, पढ़ने में कमज़ोर हैं, फिर भी वो पास कर लेते हैं। दे से यू डोंट हैव टू नो एनी थिंग, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू आर टॉट, कह रहा है तुम्हें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में क्या होता है, सिर्फ रट लो और जाके लिख लो, यही होता है, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं होती है। दैट्स द होल ट्रबल सेड एल्बर्ट, एल्बर्ट कहता है ये मुश्किल की बात तो यही है कि हम लोग जो है पढ़ते हैं लेकिन उसको समझते नहीं हैं। आई एम नॉट गोइंग एट लर्निंग थिंग्स बाई हार्ट, कह रहा है कि हम किसी भी चीज़ को बाई हार्ट मतलब याद नहीं कर सकते हैं। यू डोंट नीड, हमें हर चीज़ समझना चाहिए पहले। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट एंड इवन कैन लर्न लाइक अ पैरट, तो कहता है एंसिन कहता है कि ये एंसिन कहती है, वो जो एल्सा कहती है, यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, कह रहे तुम्हें याद करने में शक्ति तेज़ होना ज़रूरी नहीं है। एनी वन कैन लर्न लाइक अ पैरट, जस्ट डोंट ट्राई एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद द बुक अंडर योर आर्म्स एडेड एल्सा, तो एल्सा कहती है हम तुम्हें हरदम देखते हैं कि एक किताब के साथ तुम रहे मतलब अपनी किताब अपने आर्म्स के नीचे रख के रखते हो। वट इज़ द वंस यू आर रीडिंग, तो कहता है तुम कौन सी किताब अभी पढ़ रहे हो, बताता है कि बुक ऑन जियोलॉजी, कह रहे हैं जियोलॉजी पढ़ रहे हैं। जियोलॉजी रॉक्स एंड थिंग्स डू यू लर्न दैट, कह रहे हैं तुम जियोलॉजी पढ़ते हो, नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, कह रहे हैं हमें साइंस तो पढ़ाया नहीं जाता है, इसलिए जो साइंस है वो केवल हमें जियोलॉजी में ही दिखाई देती है और वो हम उसी को पढ़ते हैं। देन वाई आर यू स्टडिंग इट, बिकॉज आई लाइक इट, इज इट दैट अ गुड इनफ रीज़न, एल्सा साइड यू आर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट, शी सेड, कहती है तुम ठीक सोचते हो, बट इट वॉन्ट हेल्प यू विद योर डिप्लोमा, कह रहा है ये जियोलॉजी पढ़ने से तुम्हारे डिप्लोमा में कोई हेल्प नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम बुक्स एंड साइंस हिज ओनली कम्फर्ट विद म्यूजिक एंड ही लाइक्ड हिज वॉयलिन रेगुलरली अंटिल हिज लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप, अब किताबें पढ़ने के अलावा उसको जो अच्छा लगता था वो था म्यूजिक और वॉयलिन बजाना। दैट्स वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व, शी सेड देयर इज इनफ नॉइज इन दिस हाउस With all the kids howling, तो इसकी जो लैंडलेडी थी वो उसको मना करती थी वॉयलिन बजाने से, कहती थी कि इससे हमारे जो है हमें काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है, गेट्स ऑन माई नर्व्स, शी सेड देयर इज़ इनफ नॉइज़, कह रहा है आवाज़ घर में तो वैसे ही इतनी शोरगुल होता है, बच्चे चिल्लाते हैं तो ऊपर से वॉयलिन बजाते हो तो हमें डिस्टर्बेंस होती है। एल्बर्ट वॉज पॉइंटेड टू पॉइंट आउट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज शी हु मेड देम हाउल, बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग, तो एल्बर्ट वो कहना चाह रहा था कि अब ज़्यादातर समय यही होता है कि आप ही घर में ज़्यादा चिल्लाती हैं और लोगों को चिल्लाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, लेकिन वो ये कहने से रुक गया क्योंकि वो नाराज़ हो जाती। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर, ही टोल्ड ज्योरी आफ्टर सिक्स मंथ्स अलोन इन म्यूनिक, तो म्यूनिक में रहने के बाद जो है वो कहता है कि मैं ज्योरी से हमें यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए। इट इज़ एब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग, कह रहा कि हम यहाँ रहने का मतलब है कि अपना हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपने फादर का पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं एवरी टाइम। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ एंड देन वॉट विल यू डू, तो यूरी पूछता है आप क्या करोगे। आई डोंट नो इफ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक, कहते हैं अगर हम मिलान जाते हैं मेरे फादर फिर हमको म्यूनिक भेज देंगे। अनलेस हिज आईज ग्लीम विद अ सडन आइडिया, तो उसके दिमाग में एक बात आती है। यूरी डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर, तो ये एल्बर्ट कहता है अपने फ्रेंड यूरी से, क्या तुम किसी डॉक्टर को जानते हो। आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, सेड यूरी, कह रहा है कई मेडिकल स्टूडेंट्स को जानते हैं और काफ़ी कई मेरे दोस्त भी हैं। डॉक्टर नो, लेकिन वो अभी डॉक्टर नहीं है, पूरे डॉक्टर नहीं हुए क्योंकि अभी वो पढ़ रहे हैं। आई नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन, कह रहा है मेरे पास इतना पैसा नहीं रहा कि हम प्रॉपर डॉक्टर के पास, जो क्वालिफाइड डॉक्टर है उसके पास जाएँ, हम तो ऐसे जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उन्हीं से अपना छोटा मोटा इलाज करा लेते हैं।
Suppose, said Albert, that I had a nervous breakdown. Suppose the doctor would say it's bad for me to go to school. I need to get right away from it. अब वो बहाना बना रहा है कि स्कूल ना जाना पड़े. तो अल्बर्ट कहता है कि मान लो कोई डॉक्टर ये हमको लिख के दे दे कि हमें एक नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है और हमें स्कूल नहीं जाना चाहिए. आई कांट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी. यूरी कहता है कि ऐसा कोई डॉक्टर नहीं होगा जो बिना तुम्हारे नर्वस ब्रेकडाउन हुए ऐसा सर्टिफिकेट दे देगा. आई मस्ट ट्राई, सेड अल्बर्ट, टू फाइंड अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन नर्व्स. तो अल्बर्ट बोलता है कि हम ऐसे डॉक्टर को पता करेंगे जो 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 न्यूरोलॉजिस्ट हो या नर्व्स का स्पेशलिस्ट हो. देर आर प्लेंटी ऑफ देम, यूरी टोल्ड हिम. यूरी कहता है कि ऐसे तो बहुत डॉक्टर हैं. ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट एंड देन एडेड रादर रिलक्टेंटली, आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स इफ दे नो वन इफ यू लाइक. कह रहा है कि हम यूरी बोल रहे हैं कि हम अपने और जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछेंगे कोई कोई ऐसे डॉक्टर को जानते हैं जो न्यूरोलॉजिस्ट हो. विल यू, ओ थैंक यू यूरी. अल्बर्ट्स आईज आर शाइनिंग. वेट अ मोमेंट, आई हैव फाउंड वन. कह रहा है हमें एक डॉक्टर मिल गया है. ओ बट यू विल, एंड इफ आई डू डोंट नो इफ यू विल बी विलिंग टू हेल्प यू. कह रहा है कि एक डॉक्टर तो है लेकिन हमें ये नहीं पता है तुमको वो हेल्प करेगा. ही विल डिक्लेयर्ड अल्बर्ट, आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेकडाउन टू मेक इट ईजियर फॉर हिम. कहता है कि हम अपने में असली नर्वस ब्रेकडाउन पैदा कर देंगे जिससे कि वो डॉक्टर को सर्टिफिकेट देने में कोई परेशानी ना हो. आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, आस्क्ड यूरी. A day or two at school will soon put that right, Albert assured. Suddenly he had lost his high spirits when Yuri saw him next. अगली बार जब वो Yuri से मिलता है तो अपने वो high spirits मतलब वो उतना वो खुश नहीं दिखाई दे रहा था. I can't stand it any longer, he said. I really shall have a nervous breakdown that will satisfy any doctor. कह रहा कि हम अब बर्दाश्त नहीं कर पाए अब कह रहे हैं और हमें जल्दी ही नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा. Keep it up then, said Yuri. I have found a doctor for you. कह रहा हमें एक डॉक्टर मिल गया, Yuri बोलता है. You have Albert's face lit up. तो वो बहुत ही खुश हो जाता है. I have an appointment for you for tomorrow evening, Yuri said. Yuri कहता है हमें डॉक्टर से हमें कल शाम का अपॉइंटमेंट ले लिया है. Here's the address. He handed Albert a piece of paper. Dr. Ernst Wiel. Is he a specialist in nervous troubles? Asked Albert. तो कहता है ये इसका नाम है Dr. Ernst Wiel. क्या ये neurologist है? Not exactly, Yuri admitted. कह रहा है कि ये पूरी तरह से डॉक्टर तो है नहीं. As a matter of fact, he only qualified as a doctor last week. कह रहा है लास्ट वीक ही ये अपना MBBS जो डिग्री होती है डॉक्टर की वो पूरी किया है. You may even be the first patient. कह रहा है हो सकता है तुम इसके पहले पेशेंट हो. You knew him as a student then. I have known Ernst for years. कहता है यूरी कहता है हमें जो Ernst, डॉक्टर Ernst है इसको हम बहुत सालों से जानते हैं. यूरी hesitated for a few moments. He is not a fool. He warned Albert. कह रहा है यूरी कहता है कि फिर भी वो काफ़ी जानकार है. He is not a fool. What do you mean? Don't try to pull the wool over his eyes. That's all. Be frank with me. कह रहा तो हमें मतलब धोखा देने की कोशिश मत करो. Be frank with me. But don't pretend you have got what you haven't. Not that you deceive anyone. Yuri added. कह रहा कि तुम किसी यूरी कहता है कि तुम किसी को मतलब बेवकूफ़ नहीं बनाओगे अपने सर्टिफिकेट लेने के लिए. You are the world's worst liar. कह रहा तुम जो है दुनिया में तुम्हें झूठ बोलना तो आता नहीं है. डॉक्टर को तुम बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करना. जो सही बात है उसको बता देना. अल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर व्हेन द टाइम अराइव्ड फॉर हिज अपॉइंटमेंट. वो कह रहे अल्बर्ट वो सोचता रहा कि अगले दिन वो डॉक्टर पास जब जाएगा उसको क्या मतलब बहाना बनाएगा. आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल, डॉक्टर वील ही बिगन. और डॉक्टर वील से अब जब जाता है मिलने तो कहता है हमें नहीं पता कि हम अपनी बात को कहाँ से शुरू करें. Don't try, said the young doctor with a friendly smile. डॉक्टर जो है इसको कम्फर्टेबल करता है. तुम कोशिश मत करो. Yuri has already given me a history of the case. तो Yuri ने हमको तुम्हारी हिस्ट्री बता दी है कहाँ केस हिस्ट्री. ओ वॉट डिड ही से, ओनली दैट यू वॉन्ट मी टू थिंक यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेक डाउन एंड से दैट यू मस्ट गो बैक टू स्कूल. Yuri ने कहा है, डॉक्टर बोले कि Yuri ने कहा कि हमें ये बस इतना हमें कहना है कि तुम्हें नर्वस ब्रेक डाउन है और तुम स्कूल नहीं जा सकते हो. ओ डियर, Albert's face fell. You shouldn't have told you that. Albert बोलता है कि तुम्हें यूरी को ऐसा नहीं बताना चाहिए था. Why not? Isn't it true then? तो डॉक्टर बोलता है क्या ये सच नहीं है. Yes, that's the trouble. Now you will say there's nothing wrong with me and you will tell me to go back to school. तो Albert बोलता है कि अब तो आप सारी बात जान ही गए हैं तो आप यही कहेंगे कि हमारे साथ मेरे मतलब मेरे में कोई नर्वस ब्रेकडाउन नहीं है और हमें स्कूल जाना चाहिए.
डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, सेड द डॉक्टर. डॉक्टर कहता है तुम इतने श्योर मत हो कि हम यही बात कहेंगे. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रिटी श्योर यू आर इन अ नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल. तो डॉक्टर कहता है कि हमें ये पक्की तरह पता है कि तुम जो हो स्कूल जाने से काफ़ी नर्वस हो उस स्कूल में. बट आई हैवन टोल्ड यू एनी थिंग अबाउट इट, सेड एल्बर्ट. एल्बर्ट कहता है हम उसके बारे में तो आपको कुछ पता ही नहीं है. हाउ कैन यू नो दैट, बिकॉज यू वुडेंट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ़ यू हैडन्ट बीन प्रीटी क्लोज टू अ नर्वस ब्रेकडाउन. तो डॉक्टर बोलते हैं अगर ऐसा नहीं होता, नर्वस स्कूल को लेकर तुम्हारे मन में नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होता तो मेरे पास आते ही नहीं. नाउ सेज द डॉक्टर ब्रिस्कली. और डॉक्टर बहुत तेज़ी से बोलता है, ब्रिस्कली मीन्स जल्दी से बोलता है, इफ़ आई सर्टिफाई दैट यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर अ वाइल, व्हाट विल यू डू. डॉक्टर बोलता है अगर हम ये सर्टिफिकेट दे दें कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है और तुम स्कूल में नहीं जाना चाहिए तो तुम क्या करोगे. आई विल गो टू इटली सर एल्बर्ट टू मिलान वेयर माई पेरेंट्स आर. तो कहता है एल्बर्ट कहते हैं कि हम मिलान चले जाएंगे जो कि इटली में है, जहाँ पे मेरे पेरेंट्स रहते हैं. एंड व्हाट विल यू डू देयर. आई विल ट्राई टू गेट इनटू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट. वहाँ कहता है हम जाके इटालियन कॉलेज में एडमिशन लेंगे. हाउ कैन यू विदाउट अ डिप्लोमा. तो तुम डॉक्टर पूछता है तुम कैसे वहाँ पर एडमिशन लोगे जब तुम्हारा डिप्लोमा अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है. आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क एंड परहैप्स दैट विल बी इनफ. तो कहते हैं हम अपने मैथमेटिक्स टीचर से बोलेंगे कि वो हमें एक सर्टिफिकेट दे देंगे हमारे काम के बारे में और वो काफ़ी होगा. आई हैवंट लर्नड ऑल द मैथ्स दे टीच एट स्कूल एंड अ बिट मोर, ही एडेड व्हेन डॉक्टर वील लुक्ड डाउटफुल. डॉक्टर वील को काफ़ी डाउटफुल लगा कि इसके टीचर जो है मैथ्स टीचर ऐसा सर्टिफिकेट इसको क्यों देंगे. वेल इट्स अप टू यू ही सेड, आई डाउट इफ इट विल कम ऑफ बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योरसेल्फ और एनीवन एल्स मच गुड बाय स्टेइंग हियर. डॉक्टर की समझ में आ गया कि ये यहाँ पे रह के कुछ बहुत अच्छा तो कर नहीं रहा है, यहाँ से चला ही जाए तो अच्छा रहेगा. हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, वुड 6 months बी ऑल राइट. डॉक्टर पूछता है हमें तुम्हें कितने महीने का सर्टिफिकेट दे दें कि तुम्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए, क्या 6 महीना काफ़ी रहेगा. दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू. डॉक्टर एल्बर्ट बोलता है कि हाँ ये ठीक रहेगा. इट्स नथिंग, आई ओनली जस्ट स्टॉप बींग अ स्टूडेंट माई सेल्फ सो आई नो हाउ यू फील. तो डॉक्टर बोलता है कि हम भी अभी जल्दी ही मतलब स्टूडेंट लाइफ से मतलब अलग हुए हैं, मतलब डॉक्टरी पास कर ली है, अब हमें भी लग रहा है कि स्टूडेंट लाइफ वो में क्या कोई फील करता है. हियर यू आर. डॉक्टर वील हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट एंड द बेस्ट ऑफ लक. हाउ मच, नथिंग, इफ़ यू हैव एनी थिंग टू स्पेयर इन्वाइट यू टू अ मील. तो क्या डॉक्टर पूछता है, वो एल्बर्ट पूछता है कि हमें आपको कितनी फीस देनी चाहिए. तो डॉक्टर बोलते हैं कुछ भी नहीं, अगर तुम्हारे पास कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा हो तो यूरी को एक खाने पे बुला देना, खाना खिला देना. ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड योर्स टू. एल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर बट ही प्रिटेंडेड ही हैड एंड टुक यूरी आउट टू सपर. उसको जो है यूरी के पास, एल्बर्ट पास ज़्यादा पैसा तो था नहीं, फिर भी वो यूरी को डिनर पर ले गया. इज़न्ट इट वंडरफुल, इज़ सेड आफ्टर शोइंग यूरी द सर्टिफिकेट. डॉक्टर वो बोलता है एल्बर्ट, इज़न्ट इट वंडरफुल, क्या ये बहुत अच्छा नहीं हुआ. जो सर्टिफिकेट डॉक्टर ने दिया था उसको वो दिखाता है. यस इट्स फाइन, यूरी एग्रीड, 6 months इज़ अ गुड पीरियड. दिस वे यू वोंट एक्चुअली बी लिविंग द स्कूल, सो इफ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट यू विल बी एबल टू कम बैक. कह रहा है कि 6 महीने का जो सर्टिफिकेट है ये काफ़ी होगा, इस तरह से तुम्हारा नाम जो स्कूल में लिखा भी रहेगा, अगर तुम किसी कारण वापस भी आना चाहते हो तो वापस आ सकते हो. टू कैरी ऑन फॉर योर डिप्लोमा, वहाँ पर तुम अपना डिप्लोमा भी पूरा कर सकते हो. I'll never go back to that place, Albert assured him. Albert कहता है हम कभी भी वहाँ पर वापस नहीं जाएंगे उस स्कूल में. I'm going to take this certificate to the head teacher tomorrow and that will be the end of it. अब वो कहता है हम हेड टीचर जो हेड मास्टर हैं उनके पास ये सर्टिफिकेट लेके जाएंगे और कल से मेरा ये स्कूल का आखिरी दिन होगा. Don't forget to get a reference in writing from your mathematics teacher first, Yuri reminded him. तो यूरी कहता है तो अपने मैथ्स टीचर से भी एक सर्टिफिकेट रेफरेंस ले लेना कि जब तुम इटली जाओ तो वहाँ पे तुम्हारा एडमिशन हो जाए. मिस्टर कोच विलिंगली गेव एल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड. तो मिस्टर कोच जो साइंस टीचर थे उन्होंने इसको एल्बर्ट को एक रेफरेंस दे दिया कि वो इटली में तुम जाके इनसे मिल लेना तो तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा. इफ़ आई से आई कॉन्ट टीच यू एनी मोर एंड प्रॉब्ली यू विल सून बी एबल टू टीच मी, विल दैट बी राइट ही आस्क. तो लोग जो कोच बोलते हैं रेफरेंस लेटर में लिखते हैं कि इफ़ आई से आई कॉन्ट टीच यू एनी मोर एंड प्रॉब्ली यू विल सून बी एबल टू टीच मी. कह रहा है कि तुम इतने तेज़ हो कि हम तुम्हें पढ़ा नहीं सकते, उल्टा तुम हमें पढ़ा सकते हो अगर हमें ऐसा लिख दें सर्टिफिकेट में तो क्या ये ठीक रहेगा.
दैट सेइंग टू मच सर, सेड एल्बर्ट. कह रहा है कि ये बहुत, एल्बर्ट बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा ना लिखें. इट्स ओनली द ट्रूथ बट ऑल राइट, आई विल पुट इट मोस्ट सीरियसली. कह रहे डॉक्टर जो है, जो इनके जो टीचर थे मिस्टर कोच, बोलते सच्चाई यही है कि हम तुम्हें पढ़ा नहीं सकते, बल्कि तुम इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो हमको ही पढ़ा सकते हो, लेकिन हम इसको थोड़ा और सीरियसली, मतलब गार्डेड वे में अच्छे ढंग से लिखेंगे. इट वॉज स्टिल अ ग्लोइंग रेफरेंस एंड मिस्टर कोच मेड द पॉइंट दैट एल्बर्ट वॉज रेडी इमीडिएटली टू एंटर अ कॉलेज और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स. सो एल्बर्ट जो कोच थे, मिस्टर कोच, उन्होंने लिखा कि एल्बर्ट जो है ये जो हायर कॉलेज में जाके, हायर इंस्टीट्यूट में जाके मैथमेटिक्स पढ़ना चाहता है. आई एम सॉरी यू आर लिविंग अस, ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, ही सेट. तो जो बोला, जो मिस्टर कोच थे बोले कि आई एम सॉरी यू आर लिविंग अस, कह रहे थे भाई दुख है कि तुम छोड़ रहे हो, लेकिन क्या है, तुम यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे थे, क्योंकि तुम इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो इस क्लास के तुम्हारे अब ऊँचे अबव लेवल के तुम्हारा दिमाग है और तुम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे थे. इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, एल्बर्ट. एल्बर्ट बोलते हैं जबकि मैथमेटिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें हमें इंटरेस्ट था और यही एक क्लास ऐसा था जहाँ पे हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे थे. बट हाउ डिड यू नो आई एम लिविंग सर, यू डिडंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज. जो मिस्टर कोच हैं बोलते हैं अगर तुम्हें नहीं जाना होता तो ये रेफरेंस लेटर हमसे नहीं मांगते. आई थॉट यू वुड वंडर, देयर इज नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टीन, आई न्यू यू आर गोइंग टू लिव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ. तो जो मिस्टर कोच है बोलते हैं हमें पता था तुम ये स्कूल छोड़ोगे. एल्बर्ट वॉज पजल्ड, वॉट डिड द टीचर मीन. ही सून फाउंड आउट बिफोर ही हैड अ चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद हेड मास्टर, ही वॉज समन्ड टू द हेड्स रूम. अब वो ये सोच रहा था कि ये जो मिस्टर कोच है इनको कैसे पता चला कि हम स्कूल छोड़ेंगे. इसके पहले ही सोचते ही रहे, तब तक उसको हेड मास्टर से कॉल आ गई, समन आ गया, मतलब हेड मास्टर ने उसको बुलाया मिलने के लिए. वेल इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और टू आउटसाइड, ही थॉट. तो कह रहा है जो एल्बर्ट सोचता है चलो अच्छा हुआ है हेड मास्टर ने खुद ही बुला दिया, तो हमें एक या दो घंटा इसके लिए वेट करना पड़ता. ही हार्डली बॉदर टू वंडर व्हाई ही हैड बीन सेंट फॉर, बट वेगली सपोज ही वॉज टू बी पनिश्ड अगेन फॉर बैड वर्क एंड लेजीनेस. अब वो सोच रहा है एल्बर्ट की, अब इसको समझ में नहीं आ रहा कि हेड मास्टर ने इसको क्यों बुलाया है. वो सोच रहा है कि शायद इसलिए बुलाया होगा कि इसको पनिश करेगा फॉर इज बैड वर्क एंड लेजीनेस, अब खराब काम के लिए और आलसी पने के लिए इसको पनिश करेगा. वेल ही हैड फिनिश्ड विद पनिशमेंट्स. आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड. अब जब वो हेड मास्टर के पास जाता है बोलता है हम तुमको पनिश करने के लिए नहीं बुलाए हैं. सेड टू एल्बर्ट सरप्राइज, योर वर्क इज़ टेरेबल एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर. आइंस्टीन आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ. तो कहता है कि तुम बहुत ही, योर वर्क इज़ टेरेबल, तुम बहुत ही खराब पढ़ाई कर रहे हो, खराब तरह से पढ़ रहे हो. आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर, हम नहीं चाहते कि तुम स्कूल में पढ़ो. आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ, हम चाहते हैं कि तुम अब तुरंत जो है स्कूल छोड़ दो. अब एल्बर्ट तो यही चाहता ही था कि एल्बर्ट को स्कूल छोड़ना था, अब उसके मन की बात पूरी हो गई. लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड एल्बर्ट, दैट इज़ वॉट आई सेड. वो कहता है कि जो हेड मास्टर कहता है कि हम तुमसे यही कहें तो अभी स्कूल छोड़ दो. यू मीन्स सेड एल्बर्ट दैट आई एम नॉट, दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड. तो कह रहा है कि क्या आप हमको स्कूल से एक्सपेल कर रहे हैं, निकाल रहे हैं. यू कैन टेक इट दैट वे इफ़ यू विश. आइंस्टीन द हेड टीचर वॉज नॉट मिंसिंग वर्ड्स. तो हेड टीचर जो था उसने कहा कि तुम समझ लो तुमको हम स्कूल से एक्सपेल कर रहे हैं. द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ओन अकॉर्ड एंड देन द क्वेश्चन वोंट अराइज. अभी कह रहा है कि हर टीचर बोला कि अगर तुम अपने मन से चले जाते हो, ये कह के हम अपना कारण बता के चले जाते हो कि हम इस कारण से स्कूल छोड़ रहे हैं, तो यह तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा बजाय इसके कि हम तुमको एक्सपेल करें और तुम्हारे साथ ये तुम्हारे ऊपर ये सर्टिफिकेट लग जाए, धब्बा लग जाए, तुम्हें स्कूल से निकाला गया है. इससे अच्छा ये होगा कि तुम खुद ही स्कूल छोड़ कर चले जाओ. But said Albert, what crime have I committed? Your presence in the classroom makes it impossible for the teacher to teach and for the pupils to learn. Headmaster बोले कि हम तुमको, तुम इसलिए चाहते हैं कि तुम स्कूल छोड़ दो, तुम क्लास में ना तो खुद पढ़ते हो और ना दूसरे को पढ़ाने देते हो. अगर टीचर पढ़ा पाता है और जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ पाते हैं. यू रिफ्यूज़ टू लर्न एंड यू आर इन कॉन्स्टेंट रेबेलियन. कह रहा है कि तुम जो है बिल्कुल रिफ्यूज़ टू लर्न, मतलब कुछ पढ़ना चाहते नहीं हो और हरदम जो है रेबेलियन, मतलब हरदम जो टीचर है उससे कन्फ्रंटेशन करते हो, बहस करते हो. एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन, तुम्हारे रहने से क्लास में कोई भी सीरियस काम नहीं हो सकता है. एल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट. कह रहा है तो मेडिकल सर्टिफिकेट तो उसके हाथ में था ही. आई एम गोइंग टू लीव एनी वे, ही सेड.
कह रहा है कि मेडिकल सर्टिफिकेट जो था, कह रहा है कि इट्स ऑल बर्निंग होल इन इस पॉकेट. कह रहा है हम तो मेडिकल सर्टिफिकेट लेके ही आए थे कि हमें स्कूल छोड़ना है. आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वेज. एंड कहता है कि हम तो वैसे भी स्कूल छोड़ने ही आए थे. देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट. एंड हेड मास्टर बोलता है चलो हम इस एक बात पर तो एग्री करते हैं, हम तुम्हें स्कूल से निकालना चाहते हैं और तुम स्कूल को छोड़ना चाहते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है. फॉर अ मोमेंट एल्बर्ट वॉज टेम्पटेड टू टेल द मैन वॉट इज थॉट ऑफ हिम ऑफ हिज स्कूल. अब एल्बर्ट ये सोच रहा है कि हम इस आदमी जो हेड मास्टर है इसको बता दें कि इसके स्कूल के बारे में इसके क्या व्यूज़ हैं, उसके स्कूल के बारे में क्या सोचता है. देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ विदाउट एनी अनदर वर्ड होल्डिंग हिज हेड हाई ही स्टॉक आउट. उसके बाद वो अपना सर उठा के बाहर निकल जाता है. शट द डोर आफ्टर यू शॉटेड द हेड. तो हेड मास्टर कहता है तुम जाने के बाद अपना जो दरवाज़ा है इसको बंद करके जाना. एल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, उसको इग्नोर करता है. ही वॉक स्ट्रेट ऑन आउट ऑफ द स्कूल वेर ही हैड स्पेंट 5 मिजरेबल ईयर्स. अब वो सीधे वो स्कूल के बाहर निकल जाता है जहाँ पे उसने 5 साल बिताए थे. विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट अ लास्ट लुक. पीछे मुड़ के एक बार भी नहीं देखता है उस स्कूल को जहाँ पे उसने 5 साल बिताए थे या पढ़े थे. He could not think of anyone he wanted to say goodbye. उसको ऐसा नहीं लगा कि हमें कोई भी इसका ऐसा फ्रेंड है जिसको हम जाने से पहले गुड बाई बोलें. Indeed, Yuri was almost the only person in Munich he felt like seeing before he left. तो चाहता था कि यूरी ही इसका एक ऐसा दोस्त है म्यूनिक में जिससे वो आखिरी बार मिल के जाए. He had come to hate almost as much as the school. Elsa was back in Berlin and he had no other real friends. और Elsa जिसकी कज़न थी वो बर्लिन में थी और वहाँ पर कोई ऐसा और कोई दोस्त नहीं था जिससे कि वो मिल के जाता. Goodbye and good luck, said Yuri when he left. You are going to a wonderful country. जो यूरी से मिलने गया तो यूरी बोलता है गुड बाई एंड गुड लक, तुम बहुत ही अच्छे कंट्री में जा रहे हो. आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर. हम समझते हैं तो वहाँ जा कर ज़्यादा खुश होगे. इस तरह से ये लेसन है इसके बारे में कि किसने जो अल्बर्ट आइंस्टीन था म्यूनिक को स्कूल को क्यों डिसलाइक करता था और कैसे वहाँ से निकल के बाहर आया. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेसन. थैंक यू सो मच.